गाइज वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आपने टाइटल से देख लिया होगा कि आज के व्लॉग का टॉपिक क्या है। तो हम लेने जा रहे हैं ओला, और उसके बाद जो एक और टाइटल है कि कल पापा का बर्थडे है, तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो सब इस व्लॉग में शूट करूंगी। देन जो बर्थडे की सरप्राइजेज होंगे वो सब नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। तो जल्दी जल्दी जाने से पहले एक बार अपना आउटफिट दिखा देती हूँ, क्योंकि राघव चिल्ला रहा है नीचे के बहुत लेट हो रहा है। तो ब्लू डेनिम पहनी है, रेड कलर का बॉडी वार्मर टाइप पहना है, ये चश्मा, और ब्लू कलर की जीन्स पहनी है। और अब जल्दी जल्दी जाते और अपनी ओला लेके आते हैं। तो ये चल रही है पापा के कार्ड की प्रिपरेशन। और हमारा ना एक छोटा सा रिचुअल है घर का कि जिसका भी बर्थडे होता है उसके लिए हम सब कार्ड बनाते हैं फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ दीदी अपने प्यारा प्यारा मैसेज लिखते हुए, तो हम सब अपने अपने सेक्शन में फोटो जहाँ हमारी लगी है वहाँ सेक्शन में अपना अपना मैसेज लिखते हैं, और फिर जिसका बर्थडे होता है उसको विश करते हैं 12 बजे। एक स्कूटी से गए हैं, दूसरी स्कूटी उठाने और उस सब चीज़ों पर भी पापा ऑलरेडी उधर है। पापा ने हमें बुलाया है कि क्योंकि हमारी डिलीवरी आ चुकी है ओला की, तो वहीं पहुंच के बताएंगे। अभी हम करेंटली 1 किलोमीटर की दूर बचा है ओला एक्सपीरियंस सेंटर, वहीं जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो है उसमें सिर्फ हवाओं की आवाज़ आ रही थी और ट्रैफिक में फंस गए थे, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, बातचीत कर लूँ, वार्तालाप कर लूँ थोड़ा सा। तो राघव और मैं आ चुके हैं अपनी स्कूटी से ओला के शोरूम में, तो अब अंदर चलते हैं। और पापा ना डायरेक्ट आ रहे हैं इधर, मतलब ऑफिस से डायरेक्ट आ रहे हैं, इसलिए पापा बाइक से आ रहे हैं और शायद पहुंच भी गए हैं, आ रहे होंगे ऑलमोस्ट। और राघव और मैं तो आए गए हैं अपनी नई स्कूटी उठाने। ये हम एंटर होते हुए शोरूम में, अच्छा मेरे को ना लगता था कि मतलब हर किसी को लगता है कि उनके भाई बहन इतने समझदार नहीं, पर मेरी ना आज गलत फहमी राघव ने दूर कर दी है। क्योंकि आप एक बात बताती, उसने मेरे से कहा कि अब नई गाड़ी कौन चलाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, घर से इधर से घर कौन ले जाएगा। तो उसने मेरे से बोला है कि हम टॉस पेपर सीजर करेंगे और मैं इसका वीडियो भी बनाने वाली ताकि मेरे पास प्रूफ रहे अगर मैं जीती तो क्या मैं ही ले जाऊंगी ये गाड़ी। तो ठीक है, आप लोग के सामने भी प्रूफ है ना, स्टोन पेपर सीजर एक ही बार होगा और राघव, ठीक है, स्टोन पेपर सीजर, नहीं नहीं 3 चांस तो मिलती है ना। ये है हमारी सुंदरी घूंघट में पापा अनबॉक्सिंग करते हुए। गाइस शर्त के अकॉर्डिंग राघव ये वाली स्कूटी लेके जाएगा घर और हम अपनी पुरानी साथी को लेके जाएंगे घर। ये रही हमारी ब्लैक ब्यूटी। तो गाइस हम ओला लेके आ गए हैं, अब इनसे पूछते हैं ये कहाँ के लिए तैयार हो रही हैं। आज है हमारा शो, डिवोशनल शो है, ज्यादा माता रानी का जन्मदिन है, टीम वैशाली, उसके लिए रेडी हो जाते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं। ओके अब हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और दीदी हो गई है रेडी, मैं हो गई हूँ रेडी, पापा जी हो गए हैं रेडी बिल्कुल भगवा कलर में, और हमें राघव ज्वाइन करेगा सीधा वेन्यू पे। और बस अब आपसे मिलते हैं, और नीचे जाके या अभी जब भी टाइम मिलेगा हम अपना आउटफिट भी दिखा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय, जय श्री श्याम।
हम पहुंच गए हैं वेन्यू पे। ये है दीदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। स्वागत है, स्वागत ही स्वागत होता है इस चैनल पे। ये है इनका आज का आउटफिट ऑफ द डे, ऑफ द इवनिंग सॉरी। बड़ी ही सुंदर लग रही है। अच्छा। ये हमारी ब्लॉगर यशस्वी राय को आज का आउटफिट है। पीछे जाओ। आउटफिट ऑफ द इवनिंग कह सकते हैं। जी। हियर कम्स अ रॉकस्टार। जल्दी लगाओ लगाओ। हमारा ढोल चेक हो रहा है। ये कहाँ का ढोल चेक होने लगा भाई। सुंदर सी भक्ति करेंगे प्यारे से भक्ति गीतों के साथ सुंदर से। आज जैसे कि ये पूरा पंडाल हमें पीताम्बर से लग रहा है, पूरा येलो कलर जैसे मेहंदी या हल्दी में आप हम सब करते हैं। और मेरी माँ, तो चलिए आपको वैशाली से तो इंट्रोड्यूस हमने कर दिया है, अब टीम वैशाली के कलाकारों से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ ढोल पे देव भैया और राघव है हमारे साथ, संदीप भैया है तबला पे, एंकरिंग पे है हमारे राज भैया और पापा हमारे साथ है बिल्कुल भैया ढोलक पे। सचिन भैया है डॉक्टर पैड पे, नरेश भैया है कीबोर्ड पे और गौरव भैया हमारे साथ बहुत ही गाने पे। ऐसी कैसी कलाकारा जिनकी आवाज मुझे निश्चित रूप से पता कि आप सभी के दिलों तक पहुंचने वाली है। मैं आवाज नहीं जा रहा हूं, मैं तो भारत नहीं हिंदुस्तान नहीं विश्वविख्यात आवाज जी टीवी सुनी टीवी पे ऑन द स्टेज ऑन द माइक्रोफोन सुनी टीवी इसके बाद वैशाली मेहता।
परमात्मा जो जो अपनी मम्मी से प्यार करता है, एक बार अपनी मम्मी के लिए बोलिए, बोलिए अपनी अपनी माताओं की और उनका स्मरण करते हुए याद करते हुए कहेंगे
लेट्स हैव सम खाना शाना। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू योर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस अगला दिन लग चुका है, 1 बज गया है, 13 जनवरी आज पापा का बर्थडे, तो पापा भी नीचे, हम लोग ने छोटा सा सरप्राइज प्लान किया 12 बजे, तो आपको भी दिखाती हूँ। अभी मुझे जल्दी अपना मैसेज लिख रहा है कार्ड पे, पापा के आने से पहले फटाफट केक सेटअप कर लेते हैं, फटाफट सेटअप कर लेते हैं, पापा नीचे चढ़ा रहे। हैप्पी बर्थडे, केक पे नाम लिखा है, पिघल जाएगा उधर, सेंटर में ही लगा, सेंटर में। सब मैनेज हो जाता है। पहले मोमबत्ती, पूरी पूरी पूरी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू, मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू, मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पापा। चलिए पापा करेंगे कार्ड की अनबॉक्सिंग। बहुत मेहनत कर डाली तुमने, वाह क्या बात है, खुश रहो, ये बहुत बारीकी थी। भाई वो बड़ी अच्छी फोटो डाली थी तेरा, ओ नहीं यार पति देव जी। ओके गाइस, तो मेकअप हो गया है रिमूव, हम अपने असली अवतार में आ गए हैं, अब बस सोने जा रहे हैं, और बज रहे हैं 3 नहीं कह सकते, 2:30 हो रहे हैं, तो बस अब सोने जाते हैं, गुड नाइट, और आपको मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो क्या करना, लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय, टेक केयर।